हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जो है वो लाइन से या एंगल से, चाहे सर्किल से हो चाहे ट्रायंगल से हो, काफी सारे क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो पहले हम ज्योमेट्री सेक्शन को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में मैं ज्योमेट्री को जो है वो पार्ट वन में रेखा व कोण के बारे में बताऊंगा। पूरी ज्योमेट्री को मैं यहाँ मेन चार पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में रेखा कोण पढ़ेंगे हम, सेकंड पार्ट में जो है वो हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, कितने त्रिभुज से संबंधित जितनी भी प्रमेय होंगी, और थर्ड पार्ट में हम वृत्त से संबंधित यानी कि सर्कल से संबंधित जितनी भी प्रमेय होंगी वो पढ़ेंगे, और फोर्थ पार्ट और उसके बाद के पार्ट में हम उससे रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो जो कि आपके लिए काफी सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो देखते रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज्योमेट्री का पार्ट वन, रेखा व कोण। तो रेखा और कोण में हम सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि बिंदु, बिंदु या जिसको हम कहते हैं पॉइंट, सभी जानते हैं क्या होता है पॉइंट। जैसे कि कोई यहाँ बिंदु पॉइंट लगा दिया मैंने, ये छोटा सा स्मॉल पॉइंट, इसकी जो है ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है और ना ही इसमें ऊंचाई होती है, तो इसको हम कहते हैं क्या, पॉइंट, बिंदु। सेकेंड है रेखा। रेखा क्या होती है, रेखा या लाइन, कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, अगर इसको तीर के चिन्ह के साथ दर्शाएं तो ये रेखा होती है, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाएं तो उसको हम रेखा खंड कहते हैं, सेगमेंट। तो रेखा है या लाइन, इसको दर्शाते हैं हम रेखा ए बी, और इस तरह से ए बी के ऊपर एरो का जो है चिन्ह लगा के इसको लाइन के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद है वक्र रेखा, वक्र रेखा या इसको हम कहते हैं कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है, कोई लाइन हम इस तरह से खींच दें तो ये अपने आप में क्या होगी, वक्र रेखा हो गई, ठीक है ना, टेढ़ी लाइन जो जा रही है उसको हम कहेंगे कर्व लाइन। इसके बाद नंबर फोर है समांतर रेखा। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन, दो लाइन को इस तरह से खींचा जाए और उनके बीच की जो है डिस्टेंस हर पॉइंट पर समान हो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है ये, तो ये अगर प्रत्येक बिंदु पर ये डिस्टेंस जो है वो समान है तो हम इसको कहेंगे समांतर यानी कि समानांतर या पैरेलल लाइन। तो लाइन ए बी लाइन पी क्यू के क्या है, पैरेलल है, इसको लिखा जाता है ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है ना, ये पैरेलल का साइन है, तो खड़ी लाइन इस तरह से खींचेंगे। इसके बाद देखें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले क्षैतिज देखें, क्षैतिज या इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी पृथ्वी तल के समांतर कोई लाइन खींची जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा या जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, क्षैतिज रेखा के लंबवत है ना, परपेंडिकुलर जो होगी या पृथ्वी तल के लंबवत होगी इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर। तो एक क्षैतिज और वर्टिकल लाइन के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद है कोई भी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, जब कोई एक सीधी लाइन खींची जाए या एक से ज्यादा सीधी लाइनें समांतर लाइनें खींची जाए और उनको कोई तीसरी लाइन जो है वो इस तरह से क्रॉस में काट दे तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। इसके बाद है कोण। कोण की बात करें, कोण यानी कि एंगल, तो वो क्या होता है, दो लाइन जब एक पॉइंट पर आकर मिले तो दो रेखाएं आपस में मिलने पर क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं, उनके बीच का ये जो झुकाव होता है इसको हम थीटा से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं हम एंगल। तो ये तो थी इसमें बेसिक। अब इसके बाद देखते हैं हम विभिन्न प्रकार के कोण क्या होते हैं। जैसे हम जानते हैं सरल कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये तो बेसिक है आप जानते हैं, लेकिन रिज कोण क्या होता है, पूरक कोण या संपूरक कोण क्या होते हैं, देखते रहिए आगे बताते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट है सरल कोण। सरल कोण इसे हम कहते हैं या सरल रेखा कोण भी कह देते हैं, और या फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन एंगल कहेंगे। क्या होता है स्ट्रेट लाइन एंगल या सरल कोण, एक सीधी रेखा होती है, यहाँ पर अगर किसी भी बिंदु पर इस पर देखा जाए तो 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि सीधी सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है, इसी को हम कहते हैं सरल रेखा कोण। इसके बाद देखें न्यून कोण, एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम वाला कोण, ठीक है ना, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री क्या होगा, ये
इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं समकोण, हिंदी में कहेंगे हम इसको समकोण या राइट एंगल। क्या होता है, जब ये कोण जब 90 डिग्री का हो तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल, और 90 डिग्री से कम का होगा तो हम उसको कहेंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या होता है, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, जब इसका मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए, ठीक है ना, 90 डिग्री से अधिक, तो 90 डिग्री से अधिक कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, पुनरिक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या होता है पुनरिक्त कोण, जब कोई कोण जो है वो 180 डिग्री से अधिक हो जाए लेकिन 360 डिग्री से कम रहे। यानी कि सीधी लाइन ड्रॉ की तो 180 है, अब 180 से अधिक कैसे बनेगा, ये जो कोण है वो 180 डिग्री से अधिक हो गया, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 240 डिग्री क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है या पुनरिक्त कोण है, ठीक है ना। आसन कोण या एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब दो कोण कुछ इस प्रकार हो कि ये कोण रहा एक, ये कोण रहा, इस कोण को हम देते हैं अल्फा, ये हो गया कोण बीटा, तो अल्फा और बीटा कोण में ये जो लाइन है इसको हम देते हैं लाइन ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है ना। तो लाइन ओ बी जो है इन दोनों कोणों में क्या है, उभयनिष्ठ लाइन है। तो जब ऐसे दो कोण जिनमें जिनका बिंदु समान हो, एक ही बिंदु पर एक ही शीर्ष पर बने हो लेकिन एक भुजा उनमें क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है ना, आसन कोण या एडसेंट एंगल इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है कोटिपूरक, अनुपूरक या पूरक, ठीक है ना, कुछ भी कह लीजिए इन तीनों नामों से, कोटिपूरक, अनुपूरक या पूरक कोण, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका जो टोटल है वो 90 डिग्री के बराबर होगा वो कोण क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण जैसे कहते हैं, जिनका टोटल 180 डिग्री होता है वो होते हैं संपूरक कोण, और जिनका टोटल 90 डिग्री होता है वो होती है पूरक कोण, ठीक है ना। तो पूरक कोण क्या होंगे, ऐसे कोण जिनका टोटल 90 डिग्री होगा, जैसे 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, 45 का पूरक हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है 90 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है ना, या 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री। तो ये सब क्या है, पूरक कोण है, जहां पर टोटल जो है वो 90 डिग्री होता है, और टोटल अगर 180 डिग्री होगा तो वो क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे, नंबर एक संपूरक कोण, ठीक है ना, या सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 110 डिग्री, इसका संपूरक कोण बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनता है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो टोटल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 में से 110 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 70 डिग्री, ठीक है ना। तो 110 का संपूरक कोण हो गया 70 डिग्री। तो इस प्रकार टोटल क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, तो क्या होते हैं, आपस में संपूरक कोण होते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम शीर्षाभिमुख कहते हैं या सम्मुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख कोण, या हम इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, अलग अलग नाम है लेकिन सबका मतलब एक ही है। क्या होती है ये, जैसे कि दो लाइन हमने इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ की है, तो यहां पर क्या होता है, ये जो एंगल बना है ऊपर, ये इस नीचे वाले एंगल के बराबर होगा, चाहे कितना भी हो लेकिन ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर। तो आमने सामने के कोण, इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
यहाँ पर एक्स एक्स के बराबर हो गया ये, और ये वाई और वाई आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण। कब बनते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में काटती हैं, तब ये कोण बनते हैं। अब इसके बाद कुछ और एंगल्स को समझने के लिए एक आकृति यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं। दो पैरेलल लाइन खींची गई हैं, ठीक है ना, और एक तिर्यक रेखा जो है वो इनको काट रही है। तो ऐसे में कुछ कोण बनते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो एंगल 1 2 3 4, एंगल 5 6 7 8। चलिए अब यहां से कुछ कोण को समझना शुरू करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले संगत कोण। संगत कोण या इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होते हैं। जैसे कि एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा, यहां पर अगर आप देखें तो एंगल जो 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है ना। 2 जो है वो 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 7, और कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एक किसके करस्पॉन्डिंग है, किसके संगत है, एक 5 के संगत है, क्योंकि लाइन दोनों कैसी थी, ये पैरेलल थी, लाइन ए बी और लाइन पी क्यू कैसी लाइन है, पैरेलल समांतर रेखाएं हैं। अगर कोई तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो जैसे ये काटते जाएगी तो यहां पर कोण जो बनाएगी वही कोण यहां बनाएगी, सेम है, ठीक है ना। ये संगत कोण समझ में आ गए, किसके क्या क्या होते हैं संगत। 1 और 5 आपस में संगत है, 2 और 6 संगत है, 3 और 7 संगत है, और 4 और 8 ये भी संगत है। तो ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एकांतर या अल्टरनेट एंगल। जैसे कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा, और कोण 3 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा, ये आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। यानी कि दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार अल्टरनेट एंगल बनेंगे, 2 और 8, 3 और 5। तो एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल की बात करें तो कोण 2 बराबर कोण 8 ये आपस में एकांतर हैं और बराबर हैं। ऐसे कोण 3 बराबर कोण 5 ये भी एकांतर है और बराबर है। इनको हम एक्सप्लेन करें, अगर प्रूव करें ये बराबर क्यों होती हैं, तो आप समझिए जरा बारीकी से। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं कहता हूं कि एक सीधी सरल रेखा जो है वो 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री, यानी कि 1 और 2 मिलाकर 180 डिग्री होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर 5 और 6 ये भी आपस में 180 डिग्री होंगे, ठीक है ना। अब हम संगत कोण की बात हम कह रहे हैं कि 1 और 5 जो है वो भाई बराबर है, ठीक है ना। 1 और 5 कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो 5 के बजाय अगर मैं 1 लिखूं, कोण 5 बराबर में 1 कर देता हूं, तो कोण 5 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया इस प्रकार से। और 1 और 3 आपस में कैसे हैं, शीर्ष अभिमुख कोण है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था शीर्ष अभिमुख कोण, तो 1 और 3 कैसे हैं, शीर्ष अभिमुख कोण है, क्योंकि दो लाइन जो है वो आपस में दूसरे काट रही है, तो 1 और 3 आपस में बराबर होंगे, और 5 भी 1 के बराबर हो गया। तो जब 1 और 3 बराबर हैं तो 5 और 3 भी बराबर होंगे, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5 और 2 बराबर कोण, उसी प्रकार से कोण 8 भी 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। इसके बाद हम बात करती हैं अंतर कोण की, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होती है अंतर कोण। जैसे कोण 2 और कोण 5 ये अंदर की ओर बने हुए हैं, ये दोनों चूंकि बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये बनना है क्या न्यून कोण और ये बनना है क्या अधिक कोण, ये बराबर नहीं है, लेकिन इनका जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है। कितना हो जाए, 180 डिग्री। क्यों होगा 180, ये जरा समझिए। जैसे कि फिर से वही चीज, सीधी सरल रेखा, टोटल 180 डिग्री, 1 और 2 का मिलाकर 180 होगा। जैसा कि हमने देखा कि संगत कोण में कोण 5 बराबर कोण 1, ठीक है ना, कोण 1 और 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 है, क्यों है, सीधी सरल रेखा है, इसीलिए सरल कोण 180 डिग्री। अब चूंकि 1 और 5 बराबर हैं तो कोण 1 के बजाय में कोण 5 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, तो कोण 5 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये हो गया ना प्रूफ, तो 5 और 2 आपस में कैसे हैं, अंतर कोण है, इसीलिए हम कहते हैं कि अंतर कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, कारण क्या है, क्योंकि ये अंतर कोण है। ऐसे अंतर कोण 3 और 8 भी हैं, तो एंगल 3 180
प्लस एंगल 8 इजिकल टू 180 डिग्री, क्यों अंतर कोण है इसीलिए। अब बात करते हैं बाह्य कोण की, इनको हम बाह्य कोण या बहिष्कोण या एक्सटीरियर अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या होते हैं ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल या बहिष्कोण या बाह्य कोण? 1 और 6 ये बाह्य कोण है, तो इनका टोटल भी 180 डिग्री होगा। ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये न्यून है ये अधिक है। ठीक उसी तरह से चूंकि 1 और 2 आपस में बड़ा जो है इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, यहां पर हम कह रहे हैं कि कोण जो 5 है वो 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो 5 के बराबर में 1 लिखा, तो इस प्रकार से कोण 1 और 6 ये सीधी सरल रेखा से 180 डिग्री हो गए कि नहीं हो गए। 1 और 6 किस पे है? सीधी सरल रेखा पे। तो सीधी सरल रेखा कोण 180 डिग्री, तो कोण 1 और 6 180 डिग्री है, 5 और 6 180 है जोड़कर, तो कोण 1 और 6 भी 180 है। तो इस तरह से कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि बहिष्कोण है। इसलिए ऐसे ही बहिष्कोण है कोण 4 और कोण 7, ये भी इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री होगा। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण एंगल हमने पढ़े थे इसमें, सरल कोण, न्यून कोण, सम कोण, बहिष्कोण, ठीक है ना, पूरक कोण, ऋज कोण, ये सब आप यहाँ पर पढ़ के आए हैं। संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख, संगत, एकांतर, अंतः, बाह्य कोण, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पार्ट 1 में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, रेखा और कोण पढ़ना था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आप अगर जानना चाहते हैं, ये सारा जो मैंने पढ़ाया है वो अगर आप इसको नोट्स के रूप में चाहते हैं पीडीएफ में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ की लिंक दे रहा हूँ। ये सारा मटेरियल जो है आपको ऑन रिटन पेपर पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो आप नीचे एक लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन करें और वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।